हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE एलिमिनेशन चैम्बर 2021 के रिजल्ट के बारे में कि एलिमिनेशन चैम्बर का विनर कौन बनेगा और हमें एलिमिनेशन चैम्बर 2021 में कौन कौन से सरप्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस अपने टाइटल को किसके अगेंस्ट और कैसे डिफेंड करेंगे। रोमन ने ये साफ तरीके से कह दिया था कि वो ड्रू मैकइंटायर की तरह सिक्स मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच में अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर सकते। रोमन रेंस ने WWE ऑफिशियल से ये बात कही कि वो अपने टाइटल को वन ऑन वन मैच में ही डिफेंड करेंगे और WWE रोमन रेंस की इस बात को मान गई। और उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में फिक्स हुआ सिक्स मैन एलिमिनेशन चैम्बर मैच, और इस मैच का विनर जो भी बनेगा वो रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में ही फेस करेगा। अगर हम बात करें कि एलिमिनेशन चैम्बर का विनर कौन बन सकता है, तो इसके लिए सिर्फ दो नाम सामने आ रहे हैं जो एलिमिनेशन चैम्बर मैच के विनर बन सकते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर मैच के विनर के रूप में पहला नाम है डैनियल ब्रायन का। डैनियल ब्रायन इस मैच के विनर बनके रोमन रेंस को एलिमिनेशन चैम्बर में फेस कर सकते हैं। और डैनियल ब्रायन के अलावा जो दूसरा नाम है जो कि एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं वो और किसी का नहीं बल्कि शिंसुके नाकामुरा का। शिंसुके नाकामुरा भी एलिमिनेशन चैम्बर मैच के विनर बनके रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। लेकिन अब चाहे रोमन रेंस का मुकाबला डैनियल ब्रायन से हो या शिंसुके नाकामुरा से, रोमन रेंस उन दोनों को हरा देंगे और अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। लेकिन अब एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस को मिलेगा सरप्राइज जब एज आके रोमन रेंस को स्पीयर देंगे और स्मैकडाउन का अपना बदला लेंगे। स्मैकडाउन में एज को स्पीयर दिया था रोमन रिंग्स ने, तो अब एलिमिनेशन चैम्बर में एज स्पीयर देंगे रोमन रिंग्स को। और उसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार रॉयल रंबल 2021 के विनर एज चैलेंज कर देंगे रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया के लिए यूनिवर्सल टाइटल मैच। और वैसे भी ये लगभग कंफर्म ही था कि रेसलमेनिया में एज चैलेंज कर रहे रोमन रिंग्स को, तो एलिमिनेशन चैम्बर में ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। ये तो बात हुई यूनिवर्सल टाइटल मैच की। अब बात करते हैं कि WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर क्या अपना एलिमिनेशन चैम्बर में टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। वैसे तो दोस्तों ये इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ड्रू मैकइंटायर अपने टाइटल को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन अगर ड्रू मैकइंटायर नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। अगर ड्रू मैकइंटायर ये मैच को नहीं जीतते तो इस मैच के विनर बन सकते हैं रैंडी ऑर्टन। उसके बाद द फिन रिटर्न आके रैंडी ऑर्टन को चैलेंज कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन के अलावा एक और नाम भी है जो कि विनर बन सकता है, वो नाम और किसी का नहीं है बल्कि वो नाम है शेमस का। शेमस बन सकते हैं न्यू WWE चैंपियन। उसके बाद शेमस और ड्रू मैकइंटायर अपनी दुश्मनी को रेसलमेनिया तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर WWE को हमें ज्यादा ही शौक देने का मूड हुआ तो द मिज भी अपनी मनी इन द बैंक को लाके कैश इन कर सकते हैं WWE चैंपियन के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एलिमिनेशन चैम्बर के मैच का विनर कौन बनेगा। और मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको थोड़ी देर में। थैंक यू एंड गुड बाय।